हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल एंड यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं डायमेंसिटी 820 को स्नैपड्रैगन 765G से एंड पता लगाएंगे कौन सा द बेटर चिपसेट है। यहाँ पर दोनों ही 5G चिपसेट है, यहाँ पर दोनों में ही हमें 5G का कह सकते हैं सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पर 5G के साथ साथ कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें देता है इस कंपेरिजन में, इसको हम पता करेंगे एंड यहाँ पर कमिंग फ्यूचर में आपको डायमेंसिटी 820 के ऊपर भी बहुत सारे फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर रेडमी 10X के ऊपर बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं, इवन फ़ोन भी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में कब आएगा उसके ऊपर ही बहुत सारे लीक्स आ गए हैं, तो उसके वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी। बट यहाँ पर आज की वीडियो में पता लगाएंगे कि आपको डायमेंसिटी 820 बेटर परफॉर्मेंस देगा या फिर आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा स्नैपड्रैगन 765G। पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर दोनों के लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G लॉन्च हुआ है 21 जुलाई 2019 में, बट यहाँ पर डायमेंसिटी 820 लॉन्च हुआ है 18 मई 2020 में। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 820 एक लेटेस्ट चिपसेट है। सेकेंडली अगर बात करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर दोनों में हमें 7nm का फैब्रिकेशन मिलता है, तो इस मामले में दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम आप कह सकते हो बैटरी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी एंड दोनों में हमें जो ओवरऑल जो बोलते ना जो हीटिंग होता है वो भी दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलने वाला है एंड हीटिंग के मामले से दोनों ही यहाँ पर कोई ज़्यादा हीट करने वाले नहीं है। दोनों में जो हीटिंग है काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलेगी एंड थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात अगर करते हैं यहाँ पर रैम कॉम्पैटिबिलिटी की, तो यहाँ पर दोनों में ही LPDDR4 के रैम को लगाया जा सकता है जो कि 2133 MHz पे क्लॉक्ड रहेंगे, बट यहाँ पर डायमेंसिटी 820 में 16GB तक का स्टिक लगाया जा सकता है, जबकि स्नैपड्रैगन 765G में सिर्फ 12GB तक का ही रैम लगाया जा सकता है, तो इस मामले में डायमेंसिटी 820 स्लाइटली बेटर है। बात अगर हम करते हैं यहाँ पर स्टोरेज की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G में ये क्लियर्ड है कि ये UFS 3.0 तक के स्टोरेज को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर डायमेंसिटी 820 का अभी भी ये क्लियर नहीं है कि UFS 3 को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है, बट मिनिमम ये UFS 2.1 एंड eMMC 5.1 को सपोर्ट करता है। AI इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर AI इंजन के मामले में स्नैपड्रैगन 765G जो है वहाँ पर हमें 5th Gen का AI इंजन मिलता है, जबकि यहाँ पर डायमेंसिटी 820 में हमें APU 3.0 मिलता है जो कि 4 कोर का APU है। यहाँ पर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G का जो TOPS है वो है 5.5 का, तो यहाँ पर ज़्यादा काम कर सकता है ये 1 सेकेंड में, जबकि यहाँ पर डायमेंसिटी 820 कम काम कर सकता है 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल आपको AI इंजन मिलता है स्नैपड्रैगन 765G में, तो अगर आपको AI परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए आपके फ़ोन में तो आपको स्नैपड्रैगन 765G प्रीफर करना चाहिए। बात अगर हम करते हैं यहाँ पर दोनों के ISP की या फिर कह सकते हैं इमेज सिग्नल प्रोसेसर की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G में सिंगल कैमरा लगाया जा सकता है 192 MP तक का एंड यहाँ पर ड्यूअल कैमरा 22+22 MP का लगाया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड डायमेंसिटी 820 में ये सपोर्ट करता है 80 MP तक का सिंगल सेंसर एंड ड्यूअल सेंसर यहाँ पर 32+16 MP का लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे ओपिनियन से दोनों को आप मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ, बिकॉज दोनों में हमें अच्छे खासे सेंसर का सपोर्ट तो मिलता ही है एंड दोनों में जो ISP है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो दोनों अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें फ़ोटोज़ लाकर देंगे एंड काफ़ी ज़्यादा हमें रिच फ़ोटोज़ मिलने वाले हैं दोनों से ही। तो यहाँ पर दोनों को मैं लगभग इक्वल मान के चल रहा हूँ ISP के मामले से। बात अगर हम करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर दोनों ही रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K तक के वीडियो को 60fps पे। डिस्प्ले कॉम्पैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों में FHD+ तक के डिस्प्ले को लगाया जा सकता है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे काम करेंगे। डिस्प्ले कॉम्पैटिबिलिटी के मामले में यहाँ पर दोनों अगेन काफ़ी हद तक इक्वल है। बात करते हैं यहाँ पर मॉडेम की, तो यहाँ पर मॉडेम में हमें दोनों में ही 5G मॉडेम मिलता है एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G का जो डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो स्लाइटली कम है एज़ कम्पेयर टू डायमेंसिटी 820। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3.7 GBPS की आपको लाइक स्पीड मिल जाती है स्नैपड्रैगन 765G में एंड यहाँ पर अपलोडिंग की आपको मिल जाती है 1.6 GBPS की। ऑन दी अदर हैंड डायमेंसिटी 820 में हमें 4.7 GBPS की स्पीड मिलती है डाउनलोडिंग में एंड यहाँ पर अपलोडिंग आपको मिल जाती है 2.5 GBPS की। बात अगर हम करते हैं यहाँ पर दोनों के एंटीटू एंड गिगबेंच स्कोर की, तो यहाँ पर दोनों में ही डायमेंसिटी 820 काफ़ी हद तक बेटर स्कोर कर लेता है। अब देखिए एंटीटू 8 के स्कोर्स को एंड गिगबेंच 5 के स्कोर्स को दोनों में ही यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर एंड ऑल ओवर स्कोर्स में भी बेटर स्कोर करता है डायमेंसिटी 820।
बात अगर हम करते हैं दोनों के सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर दोनों में ही हमें 64 बिट पे बेस्ड 8 कोर वाला सीपीयू मिलता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G में हमें 3 क्लस्टर मिलते हैं एंड पहले क्लस्टर में हमें कॉर्टेक्स का A76 वाला कोर मिलता है क्लॉक्ड एट 2.3 GHz एंड सेकंड क्लस्टर में हमें यहाँ पर कॉर्टेक्स के A76 वाला कोर ही मिलता है क्लॉक्ड एट 2.2 GHz एंड यहाँ पर हमें थर्ड लास्ट क्लस्टर में 6 कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के 55 वाले क्लॉक्ड एट 1.8 GHz। जबकि डायमेंसिटी 820 में हमें 4x4 का आर्किटेक्चर मिलता है, यहाँ पर हमें 4 कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के A76 वाले क्लॉक्ड एट 2.6 GHz एंड यहाँ पर हमें एफिशिएंसी के लिए 4 कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स के A55 वाले क्लॉक्ड एट 2.0 GHz। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली बात बताऊँ कौन सा बेटर है, तो ऑफकोर्स डायमेंसिटी 820 और CPU काफ़ी हद तक बेटर है। पहली बात, यहाँ पर हमें ज़्यादा कोर मिलते हैं हायर परफॉर्मेंस के लिए एंड यहाँ पर जो ओवरऑल क्लॉक स्पीड है चारों के चारों कोर्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन यहाँ पर एफिशिएंसी वाले कोर्स भी हायर क्लॉक पे बेस्ड है एंड यहाँ पर जो पावरफुल जो कोर्स होते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस के लिए बेस्ड होते हैं उसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ऑलराउंड जो CPU परफॉर्मेंस है हमें काफ़ी हद तक बेटर मिलने वाला है डायमेंसिटी 820 से। तो अगर आपको हाई इंटेंसिव टास्क कराना है अपने फ़ोन में तो आपको डायमेंसिटी 820 प्रीफर करना चाहिए। बात अगर हम करते हैं यहाँ पर GPU की, तो यहाँ पर दोनों में हमें अच्छे खासे GPU का सपोर्ट मिलता है, दोनों में काफ़ी अच्छा हमें GPU मिलता है। बट अगर मैं स्ट्रेट अवे बताऊँ कौन सा बेटर है, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 820 में हमें मिलता है माली G57 MC5। ये एक 5 कोर वाला GPU है, क्लॉक्ड है इसकी इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 900 MHz की एंड यहाँ पर सेंचुरियन मार्क जो स्कोर करता है वो है 106 का। तो ऑफकोर्स ये जो GPU है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है अगर मैं बात करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ स्नैपड्रैगन 765G के GPU से। ऑफकोर्स ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखने वाला है आपके डे टू डे लाइफ में, बट अगर आप इंटेंसिव काम करोगे, अगर आप गेमिंग करोगे, तो ये ज़रूर से आपको गैप दिखेगा कि दोनों में से थोड़ा बहुत जो बेटर परफॉर्मेंस जो आपको मिल रहा है वो आपको डायमेंसिटी 820 से मिल रहा है। ऑफकोर्स इतने भी ज़्यादा हाई इंटेंसिव गेम अभी तक बने नहीं है एंड PUBG भी बैन हो चुका है, तो आपको टेस्टिंग करने के ज़्यादा कोई अच्छे गेम मिलेंगे नहीं मेरे ओपिनियन से। बट अगर कोई भी आपको ऐसा गेम मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट कर सकता है चिपसेट को, तो डायमेंसिटी 820 आपको बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पर जो GPU है दोनों का काफ़ी अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर डायमेंसिटी 820 एंड स्नैपड्रैगन 765G को अगर कंपेयर करते हैं तो डायमेंसिटी 820 का GPU अच्छे मार्जिन से स्नैपड्रैगन 765G के GPU को बीट कर देता है। तो अगर मैं लास्ट में समराइज़ करता हूँ वीडियो को, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि दोनों का चिपसेट काफ़ी ज़्यादा हेड टू हेड कम्पीट करते हैं एंड यहाँ पर जो प्राइसिंग होगी दोनों की लगभग सेम रखी जाएगी इंडियन मार्केट में मेरे हिसाब से। अगर ऐसा होता है तो आपको डायमेंसिटी 820 पिक करना चाहिए बिकॉज दोनों ही 5G चिपसेट है, दोनों में आपको परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी मिलती है, बट जो रॉ परफॉर्मेंस है जो CPU एंड GPU का जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी हद तक बेटर मिलता है डायमेंसिटी 820 में। हो सकता है कि थोड़ा बहुत एफिशिएंसी के मामले में स्नैपड्रैगन आगे निकल जाए बिकॉज पहले से ही बैटरी एफिशिएंसी के मामले में स्नैपड्रैगन काफ़ी हद तक अच्छा है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक। तो हो सकता है बैटरी एफिशिएंसी के मामले में एंड हीटिंग के मामले में स्लाइटली स्नैपड्रैगन 765G बेटर हो, बट डायमेंसिटी 820 जो है परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी आगे निकल के आता है एंड यहाँ पर AI के मामले में स्नैपड्रैगन बेटर है, बट यहाँ पर ऑल ओवर CPU, GPU एंड कैमरास के मामले में अगर ऑप्टिमाइज किया जाए तो बेटर निकल के आएगा डायमेंसिटी 820। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है ये कौन सा प्रीफर करना चाहिए, उसको क्या लेना चाहिए, आपके ओपिनियन से ज़रूर से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ। प्याला पियो मैं प्रेम द प्याला पियो।